हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं इंजीनियर शुभम नागपुरे, डिजाइन इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक सिविल इंजीनियर किस तरह से रजिस्टर वैल्यूअर बन सकता है। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरु जी के साथ। आपने सुना होगा, एज अ सिविल इंजीनियर हम वैल्यूएशन एंड एस्टिमेशन निकाल सकते हैं किसी भी बिल्डिंग का या फिर किसी भी प्रॉपर्टी का। तो अगर आप रजिस्टर वैल्यूअर हैं, तो आप बैंक के पैनल पर काम कर सकते हैं और आपको पर वर्क के हिसाब से परसेंटेज में पेमेंट मिलेगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि रजिस्टर वैल्यूअर का मतलब होता क्या है। देखिए दोस्तों, आप लोग ने सुना होगा कि बैंक हमें लोन देती है, होम लोन देती है या फिर किसी भी प्रॉपर्टी पर लोन देती है। तो जब वो लोन डिसाइड करती है कि कौन से बेसिस पर, देखिए कोई भी घर बन रहा है तो उसका एस्टीमेट निकाला जाता है, मतलब कि उसका खर्चा कितना आएगा वो घर बनाने के लिए। ये सब एस्टिमेशन या वैल्यूएशन की जो वैल्यू निकालता है उसे हम कहते हैं वैल्यूअर। उसी तरह अगर किसी प्रॉपर्टी को बेचना है या फिर मॉर्गेज करना है, ठीक है, या फिर उसकी हमें नीलामी करनी है, तो इन केसेस में किसी बिल्डिंग की या फिर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकाली जाती है, तो उसके लिए भी हमको वैल्यूअर की जरूरत पड़ती है। तो इन केसेस में किसी बिल्डिंग या फिर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकाली जाती है, तो ये जो वैल्यूएशन निकाली जाती है उसके लिए भी हमको वैल्यूअर की जरूरत होती है। तो अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी का, रियल इस्टेट का वैल्यूएशन या फिर एस्टिमेशन निकालना है, तो इसके लिए भी आपको वैल्यूअर की जरूरत होती है। और ये वैल्यूअर बैंक पैनल पर काम करते हैं, मतलब हर बैंक के लिए कोई ना कोई वैल्यूअर काम करता ही है, तो वो एक रजिस्टर वैल्यूअर होता है। तो दोस्तों, अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड एज लिमिट के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आपको वैल्यूअर बनना है तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 25 इयर्स, मींस 25 साल। और रही बात एज लिमिट की, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की एज लिमिट नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास डिप्लोमा है या फिर डिग्री है तो आप दोनों ही बेसिस पर यहाँ पर वैल्यूअर बन सकते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पे एक्सपीरियंस की कंडीशन अलग होती है दोनों के लिए, डिप्लोमा के लिए अलग, डिग्री के लिए अलग। अगर आप दोस्तों, अगर आप लोग डिप्लोमा होल्डर हैं तो आप लोगों को मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 8 साल का इन द फील्ड ऑफ रियल इस्टेट। और अगर आप लोग डिग्री होल्डर हैं तो आप लोगों के पास मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का इन द फील्ड ऑफ रियल इस्टेट। तो ये आपके कुछ कंडीशन है, अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप वैल्यूअर बन सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको वैल्यूअर बनना है तो आपको और भी कुछ फॉर्म्स आपको फिलअप करने होते हैं, जो कि आपको सबमिट करने होते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में और भी रजिस्टर वैल्यूअर के बारे में जानेंगे कि आप रजिस्टर वैल्यूअर कैसे बन सकते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोर्सेज करने पड़ेंगे, तो ये सब चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड होगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आने तक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और इसी मोटिवेशन के थ्रू सिविल इंजीनियर से रिलेटेड और भी वीडियो लाते रहेंगे, क्योंकि आपका विकास, हमारा विकास, हमारा विकास इस देश के पूरे सिविल इंजीनियर का विकास। तो दोस्तों, इसी जोश और जुनून के साथ बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिविल गुरुजी। थैंक यू दोस्तों।